अनुच्छेद 370 35A आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं के टालते भी नहीं है, हम समस्याओं को टालते भी नहीं है और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए